आप दिल्ली घूमने आए और कनॉट प्लेस नहीं गए, पालिका बाजार में बार्गेनिंग नहीं की, जनपद के कपड़े नहीं ट्राई किए और कुछ स्पेशल नहीं खाया सीपी में, तो समझो आपका दिल्ली घूमना माना नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलेंगे सीपी यानी कनॉट प्लेस और एक्सप्लोर करेंगे कुछ नए खास प्लेसेस। दोस्तों दिल्ली में मेट्रो सफर खास है। आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से उतरकर बाहर आएंगे तो आपको एक सर्कल वाली मार्केट, सेंट्रल पार्क और उसमें लगा 207 फीट की ऊंचाई वाला तिरंगा दिख जाएगा। आज हम कनॉट प्लेस आए हैं। दोस्तों यहाँ की मार्केट में लगभग सभी जाने माने ब्रांड्स के आउटलेट हैं। इसके साथ साथ अगर आप खास जेन्युइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि कैमरा, लेंस एंड एक्सेसरीज लेना चाहते हैं तो दास स्टूडियो, एविड डिजिटल काफ़ी फेमस हैं। आप बजट में कपड़ों की खरीदारी के लिए जनपद जा सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ कपड़ों की खरीदारी करते वक्त आपको बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लूट गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो आप अपना पर्स का ख्याल रखें, कीमती सामान का ख्याल रखें। हमने यहाँ से स्कर्ट और एक शर्ट भी लिया है जो 300 की रेंज में है। दोस्तों यहाँ खाने पीने के लिए आपको आसपास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको लेके चलेंगे एक खास रेस्टोरेंट में जहाँ आपको राजस्थानी गुजराती खाने का स्वाद चखने को मिलेगा, वो भी खास राजस्थानी अंदाज में। आपको ऐसा फील होगा कि आप राजस्थान आए हों। दोस्तों ये खास जगह है रानीसा रेस्टोरेंट, जो है नियर शिवाजी स्टेडियम कनॉट प्लेस में। दोस्तों लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी नाम सुना हुआ है रानीसा रेस्टोरेंट का, तो एक बार चलिए चलते हैं, देखते हैं बाकी गुजराती और राजस्थानी खाने का कॉम्बिनेशन है। अब हम आपको खा के बताएंगे कि खाना कैसा है। जाओ जाओ जाओ। दोस्तों यहाँ की स्पेशल महाराजा थाली के मेन्यू में 36 आइटम है, जिसमें राजस्थानी और गुजराती दोनों तरह के फूड शामिल हैं। दोस्तों स्वीट में गाजर हलवा, मालपुआ, रबड़ी, सेवैयाँ और फरसान यानी स्नैक्स की बात करें तो मिनी समोसा, मीठा ढोकला और स्पेशल मारवाड़ी दाल भाटी चूरमा के साथ साथ सब्जी में पनीर मिर्ची, सूरती उंदियू, राजस्थानी दमालू, राजस्थानी पिथौड़, जयपुरी दम आलू है, राजस्थानी पिथौड़ है, गुजराती कढ़ी है, राजस्थानी दाल है, सेवैया खीर है, गाजर हलवा है, रोटी में फुलका है, मसाला थेपला है, बाजरी रोटला है, पूरन पोली है, दाल बाटी चूरमा है, मालपुआ की रबड़ी है। मुझे यहाँ का दाल बाटी चूरमा और पिथौर की सब्जी जो कि बहुत ही लाजवाब लगी है और बहुत ही डिफरेंट लगी। इसके अलावा राइस में मसाला राइस और खिचड़ी है। खिचड़ी वाकई में काफ़ी टेस्टी है। खिचड़ी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति को खिलाया जा रहा हो, लेकिन यहाँ की खिचड़ी जो है ना वाकई में कमाल की है। घी, देसी घी के साथ में जो खिचड़ी का टेस्ट है वाकई में बहुत गजब का है। दोस्तों 449 रुपीस विद टैक्स की ये महाराजा थाली में अनलिमिटेड फूड सर्व किया जाता है। ये थाली शेयरिंग ऑप्शन के साथ नहीं है, यानी आप जितने लोग हैं उतनी थाली लेनी पड़ेगी। बच्चों के लिए हाफ रेट लग जाएंगे। दोस्तों सराउंड एम्बियंस में लाइव राजस्थानी म्यूजिक राजस्थानी कल्चर का फील दे रहा है, वाकई में एक अमेजिंग ट्रीट थी। आप जब भी सीपी आए रानीसा की महाराजा थाली का स्वाद जरूर से चखें। और दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरा, खाने के टेस्ट का जो रिव्यू है वो हम आपको दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है राजस्थानी। रानीसा रेस्टोरेंट है, थाली कॉन्सेप्ट है राजस्थानी, उसमें हमारे स्पेशलिस्ट जैसलमेरी कैर सांगरी है, बीकानेरी मेथी पापड़ की सब्जी है, जोधपुरी गट्टा है, जोधपुरी मिर्ची वड़ा है। ये कनॉट प्लेस में आप कहीं पे भी घूमेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। दाल बाटी चूरमा बहुत ही स्पेशल और अच्छा लगा।
दोस्तों अब हम यहां से शॉपिंग के लिए पालिका बाजार जा रहे हैं, जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड मार्केट है। और जब भी पालिका बाजार जाएं तो सड़क पार करने के लिए सबवे से होकर जाएं, जहां आपको सेफ्टी के साथ साथ दीवारों की पेंटिंग आपको योग का संदेश देगी। दोस्तों पालिका बाजार जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि यहाँ बार्गेनिंग खूब होती है। जो सामान बाहर आपको 300 रुपये में मिलता है, वही यहाँ आपको 1500 रुपये का बताया जा सकता है। आप कितना कम करवा सकते हैं, ये आपकी बार्गेनिंग एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ से निकलकर आप थकान दूर करने के लिए यहाँ के सेंट्रल पार्क में भी बैठ सकते हैं, लेकिन अभी दिन ढल चुका है तो हम सीधा मेट्रो लेंगे। यहाँ शाम के समय मेट्रो के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है। तो दोस्तों अगर हम सीपी की बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें, तो यहाँ संडे हर संडे को राहगिरी एक प्रोग्राम होता है। जो लोग योगा में इंटरेस्टेड होते हैं वो आकर के यहाँ योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज के ट्यूसडे टूर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल टू गेट दी रेगुलर अपडेट। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन।